आईपीएल सट्टेबाजी पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आज फैसला सुना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस लोढ़ा ने विस्तार से फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने पहले गुरुनाथ में अपन पर फैसला पढ़कर सुनाया और उस पर आजीवन पाबंदी का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लगाने का फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि गुरुनाथ में अपन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। में अपन ने खेल के नियम तोड़े हैं, जिस पर व्यक्ति में भी खेल के प्रति जुनून होगा वह कभी सट्टेबाजी में शामिल नहीं होगा। गुरुनाथ में अपन ने आईपीएल के नियमों को तोड़ा। में अपन ना सिर्फ सट्टेबाजी में लिप्त थे बल्कि वह क्रिकेट और आईपीएल में बदनामी भी लाए। में अपन को सट्टेबाजी का दोषी पाया गया है। राजकुंद्रा पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि राजकुंद्रा ने पहली बार ऐसी गलती की, उनकी वजह से बीसीसीआई, आईपीएल और क्रिकेट की बदनामी हुई। राजस्थान रॉयल्स ने बीसीसीआई और इस खेल के भरोसे को चोट पहुंचाई। राजकुंद्रा को गलत हरकतों का दोषी पाया गया है। कुंद्रा सट्टेबाजी में शामिल थे और उन्होंने अपने संपर्कों का खुलासा नहीं किया। वहीं जाने माने पंटर के जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। वह लगातार बुकीज के संपर्क में थे। उन पर क्रिकेट से जुड़े रहने पर 5 साल की पाबंदी लगाई जाती है, साथ ही बीसीसीआई से आजीवन दूर रहने की पाबंदी लगाई जाती है। That his participation in the investigation or inquiry by the probe committee was voluntary. On the other hand, he is guilty of not reporting exchanges with a known bookie. Charitable work, if any, by the family business is hardly a mitigating factor. It is evident from the decision of the Supreme Court that the offense of betting committed by team official who is in position of owner is very serious, and such act would certainly be against the spirit of the game and bring the game to disrepute, punishable under Article 2.4.4 of the Code, for which the penalty provided is imposition of suspension for a period ranging from 1 year to lifetime. Gurunath Meyyappan has been found guilty of 1. Betting, Article 2.2.1 and 2.2.2 of the Anti-Corruption Code. 2. His conduct having affected the image of the BCCI and the league and also the game, and having brought each one of them to disrepute, Section 2, Rule 4 of the Operational Rules, and 3, of acting against the spirit of the game and bringing it to disrepute, Article 2.4.4 of the Code of Conduct. आईपीएल सट्टेबाजी पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आज फैसला सुना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस लोढ़ा ने विस्तार से फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने पहले गुरुनाथ में अपन पर फैसला पढ़कर सुनाया और उन पर आजीवन पाबंदी का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लगाने का फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि गुरुनाथ में अपन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा था। में अपन ने खेल के नियम तोड़े हैं। जिस व्यक्ति में खेल के प्रति जुनून होगा वह कभी सट्टेबाजी में शामिल नहीं होगा। गुरुनाथ में अपन ने आईपीएल के नियमों को तोड़ा है। में अपन ना सिर्फ सट्टेबाजी में लिप्त थे बल्कि वह क्रिकेट और आईपीएल में बदनामी भी लाए। में अपन को सट्टेबाजी का दोषी पाया गया है। राजकुंद्रा पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि राजकुंद्रा ने पहली बार ऐसी गलती की, उनकी वजह से बीसीसीआई, आईपीएल और क्रिकेट की बदनामी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने बीसीसीआई और इस खेल के भरोसे को चोट पहुंचाई है। राजकुंद्रा को गलत हरकतों का दोषी पाया गया है। कुंद्रा सट्टेबाजी में शामिल थे और उन्होंने अपने संपर्कों का खुलासा नहीं किया। वह जाने माने पंटर के जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। वह लगातार बुकीज के संपर्क में थे। उन पर क्रिकेट से जुड़े रहने पर 5 साल की पाबंदी लगाई जाती है, साथ ही बीसीसीआई से आजीवन दूर रहने की भी पाबंदी लगाई जाती है। बता दें आईपीएल सट्टेबाजी पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आज फैसला सुना दिया है। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जस्टिस लोढ़ा ने विस्तार से इस बारे में फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने पहले गुरुनाथ में अपन पर फैसला पढ़कर सुनाया और उन पर आजीवन पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर भी 2 साल का बैन लगाने का
फैसला सुनाया। जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि गुरुनाथ मैयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। मैयप्पन ने खेल के नियम तोड़े हैं, जिस व्यक्ति में भी खेल प्रति जुनून होगा वह कभी सट्टेबाजी में शामिल नहीं होगा। गुरुनाथ मैयप्पन ने आईपीएल के नियमों को तोड़ा है। मैयप्पन ना सिर्फ सट्टेबाजी में लिप्त थे बल्कि वह क्रिकेट और आईपीएल में बदनामी भी लाए हैं। मैयप्पन को सट्टेबाजी का दोषी पाया गया है। राजकुंद्रा पर भी फैसला सुनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि राजकुंद्रा ने पहली बार ऐसी गलती की है, उनकी वजह से बीसीसीआई, आईपीएल और क्रिकेट की बदनामी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने बीसीसीआई और इस खेल के भरोसे को चोट पहुंचाई है। राजकुंद्रा को गलत हरकतों का दोषी पाया गया है। कुंद्रा सट्टेबाजी में शामिल थे और उन्होंने अपने संपर्कों का खुलासा नहीं किया। वह जाने माने पंटर के जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह लगातार बुकीज के संपर्क में थे, उन पर क्रिकेट से जुड़े रहने पर 5 साल की पाबंदी लगाई जाती है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।